हाय हेलो फ्रेंड, मैं हूं हेमंत शर्मा। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पे। देखेंगे आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बी कॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है ना, बी कॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर है जो कि सभी की सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, सभी की सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, कृपया करके जरूर इस वीडियो को देखें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है ना, तो इसको जरूर देखें, पेपर देने से पहले इसको जरूर देखें क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए और इसमें समझाएंगे आपके लिए क्वेश्चन। एक वीडियो में आपके लिए 35 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करते रहिएगा। ठीक है ना, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि बी कॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी हैं और देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से सबसे कम मांग की लोच किस वस्तु की है। तो यानी कि सबसे इन की चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से सबसे कम मांग कौन से लोच की है। तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है, इसका राइट आंसर हमारा कौन सा रह सकता है, जल्दी से बताएंगे। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, नमक। ठीक है ना, नमक की सबसे कम लोच है। ठीक है ना, निम्न में से सबसे कम मांग की लोच किस वस्तु की है, तो सबसे कम किसकी है, नमक की है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, मांग पूर्णतया लोचदार होती है। मांग जो है पूर्णतः लोचदार किसमें होती है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन से आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है, मांग पूर्णतया लोचदार होती है तो किसमें होती है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसका। देख लेंगे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा, हमारा जो राइट आंसर रह सकता है वो क्या रह सकता है, ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है ना, पूर्ण प्रतियोगिता में जो होता है मांग पूर्णतया लोचदार होती है। ठीक है ना, मांग जो होती है वो पूर्णतया लोचदार होती है, किसमें होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा से संबद्ध मूल लोच होगी। यानी कि किसी बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा से संबद्ध मूल लोच होगी, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है, इसका राइट आंसर हमारा कौन सा रह सकता है, जल्दी से देखेंगे। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रह सकता है वो क्या रह सकता है, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, इकाई लोच। ठीक है, इकाई लोच जो है वो संबद्ध मूल लोच होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, इकाई लोच। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, ये दिया है, वस्तु के मूल में 80% गिरावट से मात्रा में 100% की वृद्धि होती है तो लोच होगी। अब इसका लोच निकालना है हमें, लोच देखो कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। हम कह रहा है कि वस्तु के मूल में 100% गिरावट, यानी कि सॉरी 80% गिरावट, तो 100 में से 80 यानी कि 20 बची। ठीक है ना, तो -80 हो गया। अब गिरावट यानी कि मूल्य है तो इसको हम प्राइस से यानी कि पी से करेंगे, पी बराबर कितना हो गया, 80। कैसे हो गया, गिरावट हुई है तो माइनस में हो गया, गिरावट है तो माइनस में। फिर कह रहा है गिरावट से मात्रा में 100% की वृद्धि होती है, वृद्धि कितनी होती है, क्वांटिटी इसकी क्या हो जाएगी, 100%। ठीक है, ये कितना हो गया, 80%। तो इसका सूत्र लगा लेंगे, लोच का सूत्र होता है हमारा पी अपॉन्ट क्यू, यानी कि डेल्टा पी अपॉन्ट डेल्टा क्यू इक्वल टू पी का मान, सॉरी क्यू का मान निकालेंगे, सूत्र होता है इसका डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ठीक है ना, तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, 100 अपॉन -80, 0 से 0 कैंसिल, इससे काटेंगे इसको तो 1.25 माइनस का आएगा, बट क्वांटिटी निकालना है तो डेल्टा क्वांटिटी इक्वल टू 1.25 बड़ा है किससे, 1 से। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा डेल्टा q
क्यू इक्वल टू 1.25, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सभी लोग देख लो, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा, 1.25 आएगा, ठीक है। वस्तु के मूल्य में 80% गिरावट से मात्रा में 100% की वृद्धि होती है तो लोच क्या होगा, तो इसका लोच आपको निकाल दिया है, ठीक है, समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अत्यधिक मांग की कीमत लोच की दशा है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा इसका, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, अत्यधिक मांग की कीमत लोच की दशा में कैसी होती है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है, जल्दी से देखेंगे। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा क्यू बड़ा है किससे, डेल्टा पी से, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मांग की मूल्य लोच की गणना किससे की जा सकती है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा। अभी जो है सवाल में भी सूत्र लगाया था, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा रह सकता है। देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बताया था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू अपॉन पी, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। ये लोच निकालने का सूत्र है, क्या है, लोच निकालने का सूत्र है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, मांग की लोच का कथन है, मांग की लोच का क्या कथन है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है, जल्दी से देखेंगे राइट आंसर बताएंगे कौन सा रहेगा। मांग की लोच का कथन है, कौन सा कथन है, जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, परिणात्मक कथन है, कैसा है, परिणात्मक कथन है, ठीक है ना, कैसा है, परिणात्मक कथन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मांग रेखाएं दाएं की नीचे की ओर झुकती हैं, ठीक है ना, दाएं को नीचे की ओर झुकती हैं, अथवा में एक क्वेश्चन और दिया है, मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों गिरता है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे। तो देखेंगे इसमें कुछ नियम भी होते हैं, देखो मान लिया पहला है, कह रहा है कि घटती सीमांत प्रतियोगिता के कारण, ये भी राइट है। दूसरा है आय प्रभाव के कारण, ये भी राइट है। तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, ये भी राइट है। तो ये जब तीनों राइट आंसर हैं तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी होगा, उपयुक्त तो सभी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, उपयुक्त तो सभी हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया है मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर जाने की तरफ चढ़ पड़ती है, जल्दी बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहता है, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें। मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की तरफ चढ़ सकता है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका क्या रहेगा, इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, राइट आंसर जो रहने वाला है इसका वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, खराब वस्तु के कारण। दूसरा है प्रदर्शन के प्रदर्शन द्वारा, तीसरा है परिकल्पना द्वारा, तो ये तीनों ऑप्शन राइट है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कीमत लोच की कितनी श्रेणियां अस्तित्व में हैं, कीमत लोच किसी चीज की कीमत हो, जैसे मूल्य लगाते हैं, दाम लगाते हैं, उसको कीमत कहते हैं ना, तो बोलते हैं कीमत लोच की कितनी श्रेणियां अस्तित्व में, जल्दी से बताएंगे कितनी श्रेणियां हैं, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसका। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फाइव हमारा राइट आंसर रहेगा, फाइव हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
दूध की मांग लोचदार होती है, क्योंकि क्यों होती है लोचदार, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है। दूध की मांग लोचदार होती है, क्यों होती है, इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके वैकल्पिक प्रयोग, ठीक है ना, इसके वैकल्पिक प्रयोग के कारण होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है, तब ऐसी वस्तु की मांग होगी, ऐसी वस्तु की कैसी मांग होगी, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसका, इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से देखेंगे राइट आंसर इसका कौन सा रह सकता है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रह सकता है वो क्या रह सकता है, ऑप्शन नंबर डी, इकाई के बराबर लोचदार होती है इसकी, ठीक है ना, कैसी होती है, इकाई के बराबर लोचदार होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मांग की लोच को हम नाप सकते हैं, किससे नापते हैं, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे मांग की लोच को हम नाप सकते हैं, किससे नापते हैं, जल्दी से राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है, इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इसको कुल व्यय विधि द्वारा भी नाप सकते हैं, चाप विधि द्वारा भी नाप सकते हैं, तथा बिंदु विधि द्वारा भी नाप सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट रहेगा, उपयुक्त सभी, ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, चाप कीमत लोच मांग वक्र के चाप बिंदु की कीमत लोच है, तो किसने कहा ये, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा, चाप कीमत लोच मांग वक्र चाप बिंदु की कीमत लोच है, यह किसने कहा था, जल्दी से बताएंगे कौन से साइंटिस्ट थे जिसने इसने कहा ये कहा था, जल्दी से राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन ने ये कहा था, किसने कहा था, फर्ग्यूसन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, जब दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं तो एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव को जाना जा सकता है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। जब दो वस्तुएं परस्पर संबंधित होती हैं तो एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर प्रभाव को क्या जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, आड़ी या तिरछी लोच द्वारा, इसके द्वारा नापा जाता है, आड़ी या तिरछी लोच द्वारा प्रभाव को जाना जाता है इसके, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, मांग की आड़ी लोच को वैज्ञानिक व्याख्या किसने की, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी, जल्दी से राइट आंसर बताएंगे। देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, रॉबर्ट ट्रिफिन, रॉबर्ट ट्रिफिन हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। हाँ तो देखेंगे क्वेश्चन दिया था, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की, तो किसने की थी, ये आंसर आपको बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ट्रिफिन ने की थी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, रॉबर्ट ट्रिफिन, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मांग वक्र होता है, मांग वक्र क्या होता है, जल्दी से बताएंगे मांग वक्र क्या होता है, इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ए आर वक्र,
ठीक है ना। ए आर बक्र जो होता है क्या होता है, मांग वक्र होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की मांग होती है, बिजली की मांग होती है किस में होती है, जल्दी से राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है, बिजली की मांग किस में होती है देखेंगे। बिजली की मांग जो होती है वो कैसी होती है, लोचदार होती है। कैसी होती है, लोचदार मांग होती है बिजली की, ठीक है ना। बिजली की मांग लोचदार होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे क्वेश्चन था, बिजली की मांग होती है, ठीक है ना। तो बिजली की मांग किनको होती है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या था, ऑप्शन नंबर था सी, लोचदार में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच की धारणा का सर्वप्रथम उल्लेख किया, सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने मांग की लोच की धारणा का जो है किया था, जल्दी से बताएंगे। सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था मांग की लोच का, कौन से साइंटिस्ट थे, राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, कूर्नो तथा मिल। कूर्नो तथा मिल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सर्वप्रथम मांग की लोच की धारणा का उल्लेख किया था, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, मांग की लोच किसी देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मांग की लोच दी हुई मांग वक्र पर कीमत में हुए सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी गई मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन की मांग है, यही कथन किस अर्थशास्त्री ने कहा था। तो यही कथन किसने कहा था, जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर कौन सा रह सकता है, इसका राइट आंसर कौन सा रह सकता है, जल्दी से बताएंगे। तो देखेंगे एक बार क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। मांग की लोच किसी दी हुई मांग वक्र पर कीमत में हुए सापेक्षिक परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी गई मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन की मांग है, तो यही कथन किस अर्थशास्त्री का है, तो यही कथन किसका है, ऑप्शन नंबर डी मेयर्स का है। किनका है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, मेयर्स, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आरामदायक वस्तुओं की मांग सदैव होती है, किनको होती है, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से देखेंगे। आरामदायक वस्तुओं की मांग सदैव होती है, किन में होती है, तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, लोचदार में होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारी राइट आंसर रहेगा, लोचदार, ठीक है। लोचदार लोगों को किसकी मांग होती है, आरामदायक वस्तुओं की, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग सदैव होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग सदैव होती है, तो किन लोगों को होती है, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से देखेंगे। देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह कैसा रहेगा, बेलोचदार, ठीक है ना, बेलोचदार, जो कि लोचदार नहीं होते हैं, ठीक है ना, जो लोचदार नहीं होते वो बेलोचदार होते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आवश्यक वस्तुओं की मांग सदैव होती है, आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं तो सभी लोग जानते हैं, जिसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है वो आवश्यक वस्तु होती है। तो देखेंगे आवश्यक वस्तुओं की मांग सदैव होती है, किन्हें होती है, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, बेलोचदार लोगों को होती है, कैसे लोगों को होती है, बेलोचदार लोग जो होते हैं उन्हें आवश्यक वस्तुओं की मात्रा, आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है,
उनकी मांग ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, रंगीन दूरदर्शन सेट के मूल्य में 10% वृद्धि होने के फलस्वरूप वार्षिक मांग 1 लाख सेट से 85,000 सेट रह जाती है, तो मांग की लोच, यानी कि कह रहा कि तुम मांग की लोच बताइए, तो मांग की लोच कैसी होती है, इसमें कैसी होगी। तो देखेंगे जब 1 लाख है कोई चीज, कोई चीज 1 लाख है, ठीक है ना, अगर किसी चीज का मूल्य 1 लाख है तो उसमें क्या है 85,000, ठीक है ना, 85,000 शेष रह जाती है या सीट रह जाती है। तो जब 85,000 रह जाती है तो क्या होती है, कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है, तो क्या होगा, इकाई से कमी होगी, कैसा होगा, इकाई से कमी होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मांग की आय लोच होती है, मांग की आय लोच क्या होती है, जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखेंगे मांग की आय लोच जो होती है वो कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है, कैसी होती है, धनात्मक होती है, आय की लोच हमेशा कैसी होती है, धनात्मक, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि मांग की आड़ी लोच की संख्या ऋणात्मक है तो वस्तुएं कैसी होंगी, जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। यदि मांग की आड़ी लोच की संख्या ऋणात्मक है तो वस्तुएं कैसी होंगी, इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, जल्दी से बताएंगे। तो देख सकते हैं इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, देखो बेलोचदार तो होती है, ठीक है, और लोचदार भी होती हैं, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो रहने वाला है, सॉरी, इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, प्रतियोगी या स्थापन, ठीक है ना, कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, प्रतियोगी या स्थापन। यदि मांग की आड़ी लोच की संख्या ऋणात्मक है तो वस्तुएं कैसी होंगी, प्रतियोगी या स्थापन होंगी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच, धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच क्या होगी, जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखेंगे धनी व्यक्ति के लिए जो मांग की लोच होती है वो कैसी होती है, बेलोचदार होती है, कैसी होती है, बेलोचदार होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है, बेलोचदार, ठीक है, धनी व्यक्तियों के लिए मांग की लोच कैसी होती है, बेलोचदार होती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समान ढाल वाले मांग बकरों पर एक दी गई कीमत पर मांग की लोच कैसी होगी, जल्दी से बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या रह सकता है, इसका राइट आंसर क्या रह सकता है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, कैसी रहेगी, सदैव समान होती है, कैसी होती है, सदैव समान होती है, यानी कि एक समान ढाल वाले मांग बकरों पर एक दी गई कीमत पर मांग की लोच कैसी होगी, सदैव समान होगी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन बहुत कम होता है तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से देखेंगे, देखेंगे जल्दी से, राइट आंसर इसका क्या रह सकता है। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, कैसी होगी, बेलोचदार मांग होगी, कैसी होगी, बेलोचदार होगी, ठीक है ना, जब कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन बहुत कम होता है तो इसे क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग कहते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक है तो वे वस्तुएं कैसी होंगी, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर क्या क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे। यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक है तो वे वस्तुएं कैसी होंगी, जल्दी से राइट आंसर देंगे। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा,
जो हमारा राइट आंसर रहने वाला वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, स्थापन होती है। कैसी होती है, स्थापन वस्तुएं होती हैं वो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निकृष्ट वस्तुओं के लिए मां की आय लोच, ठीक है ना। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, निकृष्ट वस्तुओं के लिए आय की माय सॉरी मांग की आय लोच क्या होती है, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा इसका। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कैसा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। निकृष्ट वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच जो होती है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, जब मांग का वक्र एक्स अक्ष के समांतर वक्र सीधी रेखा के रूप में होता है तो यह दिखता है कि मांग की लोच कैसी है। तो कैसी है जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसके क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रह सकता है, जल्दी से देखेंगे। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैसी होती है, अनंत होती है, ठीक है ना। तो इसकी मांग की लोच कैसी होती है, अनंत होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बिजली की मांग लोचदार होती है, क्यों होती है लोचदार, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर कैसा है, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसका, बिजली की मांग लोचदार होती है, क्यों होती है, जल्दी से राइट आंसर देंगे इसका। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो कैसा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, इसके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके कैसे हो सकते हैं, इसके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं। क्वेश्चन दिया है बिजली की मांग लोचदार होती है क्योंकि इसके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट रहेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, यदि मिट्टी के तेल की कीमत घटती है जबकि कोयला व लकड़ी की कीमत पूर्वता रहे तो खाना बनाने के लिए, ठीक है ना, तो खाना बनाने के लिए क्या होगा, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या रहेगा इसका, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन फिर से देख लो एक बार, यदि मिट्टी के तेल की कीमत घटती है जबकि कोयला व लकड़ी की कीमत पूर्वता रहे तो खाना बनाने के लिए, पूर्वता मतलब पहले की ही तरह रहे, ठीक है ना, जितनी पहले कीमत थी उतनी ही रहे, ठीक है, तो बताइए कि खाना बनाने के लिए क्या होगा, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसके क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ठीक है ना, कोयले व लकड़ी की मांग बढ़ेगी, क्या होगा, कोयले व लकड़ी की मांग बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, यदि मिट्टी के तेल की कीमत घटती है, ठीक है ना, जबकि कोयला व लकड़ी की कीमत पूर्वता रहे तो खाना बनाने के लिए क्या होगा, कोयले व लकड़ी की मांग बढ़ेगी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कीमत के अतिरिक्त पूर्ति के किसी अन्य निर्धारण तत्व में परिवर्तन के कारण पूर्ति में बढ़ोतरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसका कौन सा रहने वाला है, इसका राइट आंसर क्या रह सकता है, देखेंगे जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, विस्तार, ठीक है ना, तो बढ़ोतरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्तार कहते हैं, ठीक है ना, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया करके शेयर करिएगा, ठीक है ना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और वीडियो को शेयर तथा लाइक करते रहिएगा, ठीक है। जय हिंद।